नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल और मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। एक पुरानी कहावत है, एक पंथ दो काज। लेकिन तीसरी बार प्रदेश की कमान संभाल रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वो हस्ती हैं जो एक पंथ से न जाने कितने ही काम बड़ी आसानी से साध लेते हैं। हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम अशोक गहलोत की यही कुशलता देखने को मिली, जब उन्होंने अपने संबोधन में कई काम एक साथ कर डाले। सीएम गहलोत को जहां केरल विधानसभा चुनाव के लिए सीनियर कन्वीनर बनाया गया है, वहीं दूसरी ओर उन्हें कई राज्यों के स्टार प्रचारकों की सूची में भी शामिल किया गया है। यही नहीं, इन दिनों प्रदेश में 3 सीटों पर होने वाले उपचुनावों को लेकर भी सियासी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। दूसरी ओर मुख्यमंत्री लगातार कोरोना की समीक्षा बैठक करने के साथ ही बारिश और ओलावृष्टि से हुए फसल खराबे को लेकर भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। इतने बिजी शेड्यूल में से भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व कांग्रेस विधायक हरि सिंह महुआ की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम के लिए समय निकाल लिया। अब हर कोई ये सोच रहा है कि आखिर इस कार्यक्रम में ऐसी क्या खास बात थी कि मुख्यमंत्री इसे करने के लिए राजी हुए। आइए आपको कुछ खास कारणों से रूबरू करवा देते हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने हरि सिंह महुआ की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम को इसलिए इतनी अहमियत दी क्योंकि वो गुजर समाज से आते हैं। यही नहीं, इसी के साथ उन्होंने इस बात को भी गुजर समाज को फिर से स्मरण करवा दिया कि गहलोत सरकार ने पहले भी गुजर समाज के हक में आवाज उठाई है। यही नहीं, कार्यक्रम में उन्होंने गुजर समाज के सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास पर प्रकाश डालने वाली एक किताब का भी विमोचन किया। हरि सिंह महुआ का व्यक्तित्व, उनका कर्तित्व एक अलग तरह का था। और 1980 से जब से वो पहली बार विधायक बने तब से मेरी उनसे जान पहचान हुई। मुझे अच्छा लगा कि वे असेंबली के अंदर भी जब आवाज उठाते थे तो पूरे राजस्थान के लोग उनको सुनते थे, उनके लफ्जों में, उनके विचारों में उनकी प्रतिबद्धता थी सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्गों के बारे में, राजस्थान की समस्याओं के बारे में उनकी समझ थी। और उसी रूप में वे अपने जीवन को समर्पित किए हुए थे। जब मैं मुख्यमंत्री बना आप सबके आशीर्वाद से पहली बार 98 के अंदर, तब मेरे वो मुख्य सचेतक बने, तब भी उनकी भूमिका बहुत ही शानदार रही थी। और मुझे सौभाग्य मिला कि आज उनकी मूर्ति के इस समारोह में मुझे भी भाग लेने का अवसर मिला। हरि सिंह गुजर नहीं थे, हरि सिंह महुआ। तो आप सोच सकते हो कि हरि सिंह महुआ ने महुआ के नाम को भी एक प्रकार से स्थापित कर दिया हमेशा के लिए। भाई एक ऐसी हस्ती थी जो महुआ की थी। इस कार्यक्रम में इशारों में ही सही, लेकिन गहलोत ने एक बार फिर बगावती तेवर दिखाने के लिए तैयार हो रहे पायलट खेमे को भी एक स्पष्ट संदेश दे दिया। उन्होंने साफ कहा कि जहां भी झगड़े होते हैं वहां प्रगति रुक जाती है। यह बात गांव समाज के साथ ही प्रदेश पर भी लागू होती है। मेरा मानना रहता है कि जहां शांति होती है वहीं प्रगति होती है, जहां झगड़े होते हैं वहां पर प्रगति रुक जाती है, चाहे वो परिवार की हो, चाहे वो गाँव की हो, चाहे जिले की हो, चाहे प्रदेश की हो, चाहे देश की हो। परिवार में झगड़े होते हैं, जिस परिवार में, वो परिवार कभी ऊपर नहीं आ सकता है। बीजेपी बार बार किसान कर्ज माफी को मुद्दा बनाने की कोशिश में है, लेकिन गहलोत ने इसकी भी काट निकालते हुए लोगों का ध्यान उन किसानों की ओर लाना चाहा जो लगभग 4 महीने से केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ सड़कों पर डटे हुए हैं। और लगभग 200 आंदोलनकारी किसानों की जान चली जाने के बाद भी केंद्र सरकार उनकी सुनवाई को तैयार नहीं है। अभी किसान लोग बैठे हुए धरने पर करीब 4 महीने होने आए, सर्दी में ठंड में उनको बैठा रहना पड़ा। तो सरकार को चाहिए कि आगे आके बातचीत करके सॉल्यूशन निकाले, हल करे। जनता तो जिद कर सकती है, किसान जिद कर सकते हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए, पर जो सरकार में होते हैं उनकी ड्यूटी होती है वो उनसे बातचीत करें, मनाएं, समझाएं और सरकार खुद जिद नहीं करे। प्रदेश में फिर से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में इस कार्यक्रम के जरिए ही उन्होंने एक बार फिर कोरोना प्रोटोकॉल्स की सख्ती से पालना करने की अपील भी की है। यही नहीं, जब उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद कलेक्टर और एसपी को
बिना मास्क के देखा तो उन्हें तुरंत फटकार भी लगाई। इससे लोगों में ये संदेश गया कि चाहे आम आदमी हो या अधिकारी, सीएम गंभीरता के साथ कोरोना नियमों की पालना करवाना चाहते हैं। कोरोना बहुत भयंकर महामारी है, अभी वापस आने लग गई है। गांव में बहुत असर नहीं के बराबर है, पर शहरों में बहुत भयंकर असर रहा है। पूरे देश के अंदर करीब 1,70,000 लोग मारे गए हैं हमारे खुद के देश के अंदर। और दूसरा राउंड शुरू हो गया है बीमारी का, वो हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा, आप भी ध्यान रखें इस कोरोना का, इस महामारी से बचें, आप स्वयं, आपके परिवार वाले, और जो मास्क लगाने की बात की जाती है, हाथ धोने की बात की जाती है साबुन से, दूर दूर बैठना चाहिए। अब आप लोग तो बहुत दर्दी दर्दी बैठे हुए हो, यहाँ के कलेक्टर की जिम्मेवारी थी SP की, तो आपको संदेश करवा के दूर दूर बैठाते हैं आपको, वो खुद यहाँ बैठे हुए SP कलेक्टर, उनकी मौजूदगी में आप लोग ने सारा सामाजिक डिस्टेंस का कोई पालना नहीं करी, इसी कारण से बीमारी फैल रही है राजस्थान के अंदर भी। राजस्थान का CM होने के नाते गहलोत बखूबी समझते हैं कि किफायत के साथ कैसे अपने उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है। और अब जबकि राजनीतिक के साथ प्राकृतिक चुनौतियां भी प्रदेश के सामने हैं और मुख्यमंत्री इनके बेहतर प्रबंधन में जुटे हैं, ऐसे में इनकी अहमियत और बढ़ जाती है। और भाजपा अब तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की दूरदर्शिता का अंदाजा भी नहीं लगा पाई होगी।